हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द फोटोग्राफ। तो इस कहानी को आज हम अच्छे से जानेंगे, इसकी समरी को समझेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में इसका आंसर लिख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को द फोटोग्राफ। तो दोस्तों, पहले मैं ये बता दूँ, ये जो कहानी है द फोटोग्राफ, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ये कहानी दरअसल उनके ही जीवन की बचपन की कुछ यादें हैं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रस्किन बॉन्ड, या हम इसे नरेटर भी पकड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो केवल 10 साल के थे। उनकी दादी थी जो एक खटिया पे बैठी हुई थी और वो आम के पेड़ के नीचे थी। गर्मियों का मौसम था, बागीचे में खूबसूरत सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे और गर्म हवाएं चल रही थी। मेरी दादी ऊन का स्कार्फ यानी दुपट्टा बना रही थी। मेरी दादी का जो उम्र है वो बहुत ही ज़्यादा था, मगर सफ़ेद तो उनके बाल थे, मगर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। उनकी आंखें तो कमज़ोर थी, मगर उंगलियाँ बहुत तेज़ थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग स्वेटर बुनते हैं ऊन और कांटे से, या कुछ भी बुन रहे हैं, तो वो बहुत ही फास्ट होता है उनका हाथ, अगर आपको याद है तो। क्योंकि आजकल के बच्चों लोग को तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, सारे के सारे मशीनी कपड़े पहनते हैं। और पहले हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि हमारी मम्मी या फिर हमारे दादी या नानी हमारे लिए स्वेटर बुना करती थी। आगे रस्किन बॉन्ड कहते हैं, मैं मैदान से क्रिकेट खेलकर घर वापस आ गया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने खाना भी खा लिया था, और खाना खाने के बाद वो एक पुराने बक्से में ढूंढ रहे थे अपने फैमिली हेयरलूम को। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हेयरलूम है वो क्या है, वो कुछ ऐसे आर्टिकल्स या कुछ भी ऐसा किताब, कुछ भी ऐसा फोटोग्राफ, कुछ भी सामान जो पुराना है, वो जनरेशन टू जनरेशन वो मिलते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं विरासत से मिलने वाली चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और इस बॉक्स को एटिक से उसकी माँ ने आज ही सवेरे उतारा था। यानी एटिक एक प्रकार का स्टोर रूम होता है जो ऊपर की तरफ होता है ज़्यादातर घरों में। बॉक्स में कुछ भी इंटरेस्टिंग उसे नहीं मिल रहा था रस्किन बॉन्ड को, या फिर हम कहें तो नरेटर को, मगर एक किताब मिली, एक रंगीन तस्वीर से भरी हुई, जिसमें चिड़िया और तितलियों की रंगीन तस्वीरें थी। उन्होंने उस किताब को खोला और कुछ पन्ने पलटते गए, और उस बीच उन्हें उन पन्नों के बीच एक सुंदर सा फोटोग्राफ मिलता है। मगर सच में कहूँ तो सुंदर नहीं, एक्चुअली ये तस्वीर बहुत ही पुरानी थी, धुंधली थी, पीली सी पड़ गई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीली हो जाती है अगर हम कोई भी पुराने किताब को देखें तो। जैसे लाइब्रेरी में आप किताब देखिए, ज़्यादातर पुराने किताब येलो हो जाते हैं। तो इस तस्वीर में एक लड़की थी जो एक दीवार से लगकर खड़ी थी, और दीवार के पीछे आसमान दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। मगर दूसरी तरफ देखे तो अच्छे से अगर गौर से देखा जाए तो दो हाथ नज़र दिखाई दे रहे थे ठीक तस्वीर के पीछे। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार पर चढ़ना चाहता है। लड़की के आसपास फूल खिले हुए थे, मगर ये पता नहीं कि वो फूल कौन से फूल है। और एक क्रीपर भी था, यानी हम जिसे लता कहते हैं, मगर वो इसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये कौन सा लता है। इसके बाद जो नरेटर है वो दौड़ते हुए गार्डन में जाते हैं जहां उनकी दादी स्वेटर बुन रही थी, और वो उसी तस्वीर को लेके जाते हैं उनकी दादी के पास और पूछते हैं ये किसकी तस्वीर है। और उसके बाद वो कूदते हैं बेड के ऊपर जिस पे उनकी दादी थी, और इससे क्या होता है, उनकी जो गिनती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। यानी जो बुनाई करते हैं वो कुछ काउंटिंग करते हैं कि कितने सूत उन्होंने यहाँ पे बुन लिए हैं और आगे कितने और बुनने हैं, तो उस हिसाब से कोई हिसाब होता है। तो अब दादी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो उनके पीठ में हल्के से एक थप्पड़ जैसा मारती है और कहती है कि अगली बार तुमने अगर ऐसा किया तो ये बुनने का काम मैं तुम्हें दे दूँगी। और दूसरी तरफ जो नरेटर है उन्हें इससे बड़ा डर लगता है, उन्हें लगता है तो ये तो लड़कियों का काम है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड एक हल्का सा प्रतीत दिला रहे हैं पुरुषतांत्रिक समाज के बारे में, जो हमारी सोच विचार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक बार उन्होंने बचपन में अपने ड्राइंग रूम के पर्दे को फाड़ दिया था, तो उनकी दादी को गुस्सा आया और उन्होंने सुई धागा थमा दिया उनके हाथों, और फिर उन्होंने बड़े बड़े टाके लगाए उन्हीं सुई और धागों से। मगर क्या हुआ, दिखने में तो बुरा ही लगेगा, तो उनकी माँ ने दोबारा उसको अच्छे से सिलाई किया। ये एक इंसिडेंट था जो
और भी पुराना था। दादी ने उनके हाथ से वो तस्वीर ली और देखी। हम दोनों ने इस तस्वीर को गौर से देखा, ऐसा नरेटर कह रहे हैं। इस लड़की के लंबे बाल थे और वो खुले हुए थे। उसका जो कपड़ा था वो उसके घुटनों को पार कर रहा था। उसकी जो आस्तीन थी, यानी हम जिसे स्लीव्स कहते हैं, वो उसकी कलाइयों तक आ रहे थे। और उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी। कपड़ों के बावजूद ये लड़की बहुत ही आज़ाद नज़र आ रही थी। यानी कपड़ा ऐसा था दिखने में जैसे कि पूरे शरीर को ढक के रखा हो, एक कैद खाना सा बना दिया हो। वो अपने दोनों पैरों को अलग करके खड़ी थी। यानी हम कह सकते हैं, हम स्कूल में जैसे सावधान विश्राम करते हो, वो विश्राम वाला पोज होगा। और उसके हाथ उसके हिप्स पर थे और एक चौड़ी सी शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से झलक रही थी। मैंने दादी से पूछा, किसकी तस्वीर है ये? दादी ने कहा, ज़रूर किसी लड़की की है, तुम्हें नहीं बता सकती। क्या आप मुझे नहीं बता सकती? दादी बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मगर वो काफ़ी शरारती लड़की थी और मुझे उसके बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहिए। आगे दादी कहती है, मगर मैं तुम्हें तस्वीर के बारे में बता सकती हूँ। ये तस्वीर तुम्हारे दादाजी के घर में ली गई थी। तस्वीर तकरीबन 60 साल पुरानी है। ये जो देख रहे हो, ये गार्डन का दीवार है। इसके पीछे एक रोड है जो शहर तक पहुँचती थी। वो किसके हाथ है? मैंने पूछा। दादी बड़े ध्यान से तस्वीर को देख रही थी। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। शायद ये स्वीपर बॉयज़ का होगा या फिर तुम्हारे दादाजी का होगा। दादाजी का? दादाजी का हाथ तो बहुत ही बोनी है। बोनी यानी बहुत ही पतला दुबला सा है। हाँ, मगर ये तो 60 साल पुरानी तस्वीर है। क्या वो तस्वीर खींचने के बाद वो दीवार पार कोई आया था? दादी ने कहा, नहीं तो, या फिर आया भी होगा तो मुझे पता नहीं। क्या आपको और कुछ याद है? बाकी सब चीज़ आपको याद है? हाँ मुझे याद है, मुझे तो वो भी याद है जो इस तस्वीर में नहीं है। ये समय वसंत ऋतु की थी। उस समय ठंडी हवाएं चल रही थी, अभी की तरह नहीं। वो जो पैरों के पास फूल है वे सब मारीगोल्ड यानी गेंदे के फूल है, और जो लताएं हैं वो बोगनविला है जो बैंगनी रंग का होता है। और हाँ, तुम उन रंगों को इस तस्वीर में नहीं देख सकते, और आज तुम उस के महक का भी मज़ा नहीं उठा सकते, ना ही उन ठंडी हवाओं को महसूस कर पाओगे। दादी, मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। हाँ मैंने तो बताया, ये तो शरारती लड़की थी। तुम्हें पता नहीं कि उसकी फैमिली को कितना ट्रबल सहन करना पड़ा था जब उसे ये ड्रेस पहनाई गई थी। नरेटर कहते हैं, मुझे लगता है ये ड्रेस बकवास है। हाँ बिल्कुल, उसे भी ऐसा ही लगता था। ज़्यादातर समय ये बिना किसी कपड़े के ही रहा करती थी। अधिकतर समय वो कीचड़ भरे तालाब में स्विमिंग किया करती थी और आवारे लड़कों के साथ घुमा करती थी। भैंस के पीठ पे चढ़कर सवारी किया करती थी। कोई भी लड़का इसे चिढ़ाने नहीं आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसे चिढ़ाया जाए तो ये लड़की उसे मार सकती है, उसके बाल खींच सकती है, उसे खरोंच सकती है नाखून से। हाँ बिल्कुल, देख के भी ऐसा ही लगता है, और इसकी हंसी देख के भी लगता है, ऐसा लगता है कुछ ही देर में शायद कुछ कर बैठेगी। दादी ने आगे कहा, इसकी माँ इसको ये कपड़ा खोलने से मना कर रही थी, खोलने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये कपड़े खोलेगी तुरंत ये कीचड़ भरे तालाब में स्विमिंग करने चली जाएगी और घंटों भर बिता देगी वहीं पर। मगर ये लड़की तो अलग प्रकार की थी। वो इसी कपड़े को पहन के चली गई और कीचड़ में तकरीबन आधे घंटे तक का समय व्यतीत किया और फिर घर में लौट के आई। हम दोनों ज़ोर से हंसने लगे। मैंने पूछा, कौन है ये लड़की? मगर फिर भी दादी ने कुछ नहीं बताया कि ये लड़की कौन है। दरअसल यहाँ पर लेखक दिखावा कर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि ये लड़की कौन है, क्योंकि उस हंसी में और इस तस्वीर की हंसी में, यानी दादी की हंसी और तस्वीर में जो लड़की है उसकी हंसी बिल्कुल सेम टू सेम थी। मगर यही कहना चाहते थे कि उस हंसी में दांत थे और इस हंसी में दांत की कमी पड़ गई थी। यानी अभी जो दादी है वो तो बूढ़ी हो गई है, उनके दांत भी कम होंगे।
मैंने बोला, दादी दादी बताओ ना, बताओ कौन है ये लड़की। मगर दादी ने अपना सर ना में हिलाया और बुनने लगी। फिर मैंने तस्वीर को हाथ में उठाया और एक बार दादी को और एक बार तस्वीर को देखता रहा और ढूंढने लगा कि कौन सा कॉमन पॉइंट है। और उसी वक्त एक तितली पीले रंग की, जो लेमन कलर की होती है, वो उड़ते हुए आई और दादी के कांटे पे आके बैठ गई, यानी जिसमें वो बुन रही थी वो स्कार्फ। फिर दादी ने जब उसे बुनना शुरू किया तो वो उड़ने लगी और तब मैंने चाहा कि उसे मैं अपने हाथों में पकड़ लूँ, मगर वो मुझसे तेज़ निकली और उड़ गई। और उड़ के कहाँ बैठी, सूरजमुखी के फूल पर जाके बैठ गई। दादी अपने मन ही मन फुसफुसाने लगी, मुझे पता नहीं ये हाथ कहाँ से आया और ये हाथ किसके थे। ये मन दादी के प्रश्न में हुआ और फिर सर झुकाते हुए उसी गर्म दोपहर में और शांत दोपहर में अपना स्कार्फ बुनने लगी। तो इसी प्रकार दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। तो अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।